good morning class. How are you? I hope you all are well and healthy. Now today in this lecture we will learn about natural methods of vegetative propagation. In the previous classes we have already discussed what is the means of vegetative reproduction and which types of methods we can use to reproduce new plant. So we have discussed about natural methods and artificial methods. Now today in this lecture we will learn about natural methods. So now come to the point. Natural methods done by root, stem, tuber, rhizome and bulb. Natural methods roots ke dwara, stem ke through, tuber ke through, rhizome and bulb ke through natural methods kiya jata hai. So first we will discuss root, natural method done by root. So roots of certain plant like sweet potato, dahlia give rise to new plant from their fleshy roots. Means कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नए पौधे को उत्पन्न करती हैं अपने फ्लैशी रूट से, लाइक एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया. नेक्स्ट इज स्टेम. प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, अनियन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. प्लांट्स जो होते हैं जैसे जिंजर है, पोटैटो है, अनियन है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. इट इज अ पोटैटो. It is modify underground stem. Potato आपका modify underground stem होता है. These underground stem produce several new plants from their buds. ये जो underground stem होते हैं अपने buds से बहुत सारे पौधों को उत्पन्न करते हैं. New plant from their buds, modify stem like tuber, bulb, rhizome and comb help to plant multiply. और जो ये मॉडिफाइड स्टेम्स के कौन कौन से रूप है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, दीज ऑल आर द मॉडिफाइड स्टेम. मीन्स रूट्स एंड स्टेम, स्टेम्स, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, दीज ऑल आर द मॉडिफाइड स्टेम. सो स्टेम के थ्रू पोटैटो में ये जो है आपके जर्मिनेटिंग आई बर्ड, मीन्स ये जन आई होती है, ये छोटी छोटी आपने अपने घरों में देखा है पोटैटो होते हैं उन पर छोटे छोटे ब्लैक डॉट पाए जाते हैं, वो ब्लैक डॉट क्या कहलाती है, उनकी आईज कहलाती है. एंड कुछ समय बाद जब लंबे समय तक पोटैटोज हमारे घर में रहते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर इस तरह से छोटी छोटी ग्रीन लीव्स हमें दिखाई देने लगती है. सो इट इज कॉल्ड जर्मिनेटिंग आई बर्ड, की आई बर्ड जो है वो जर्मिनेट होने लग गई, अंकुरित होने लग गई. और अगर इस भाग को काटकर, जो जर्मिनेट हो रही है इसको काटकर हम अलग से सॉइल में डिप कर देते हैं, सॉइल में उगा देते हैं, तो नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है. सो इट इज डन बाय स्टेम. नाउ ट्यूबर. Tuber is also modified stem. Tuber, it is a modified underground stem. The eye or bud present on tuber develop new plant. ये भी आपका modified underground stem है, like that ginger. Potato is best example of a tuber and potato also a tuber. Potato आपका best example है किसका, tuber का, भी इसमें हम देख सकते हैं ये भी modified stem है. Now rhizome, they have buds from which outgrowth are produced which give rise to new plant. ये outgrowth होती है और इसमें outgrowth produce होकर which give rise new plant, और जो कि उत्पन्न करती है new plants को, new plant बनाती है. This is seen ginger, turmeric and banana. ये हम किस में देख सकते हैं, ginger, turmeric. So it is a ginger. ये आपको देखिए ginger के ऊपर ये outgrowth दिखाई देती है, इस outgrowth से new plant germinate हो जाता है. Now bulb, certain plant such as onion, garlic, tulip produce a short thick stem called a bulb. कभी कभी कुछ plant जैसे onion, garlic and tulips produce a short thick stem. एक छोटा मोटा मोटा stem produce करती हैं. Bulb have thick leaf called scale. Bulb पर thick leaves पाई जाती हैं, उन्हें scale कहते हैं. It is a onion. आप देखते हैं अनियन पर छोटी छोटी वो जो लीव्स पाई जाती है उसके बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो आपके बिल्कुल झिल्ली सी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं. कॉल्ड स्केल्स दैट कंटेन फूड फॉर द प्लांट, जो कि क्या देती है, फूड देती है प्लांट्स को. व्हेन प्लांटेड बल्ब डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और फिर प्लांटेड बल्ब किसमें डेवलप हो जाता है, न्यू प्लांट पे. हम देखते हैं हमारे घर में जो अनियन होता है उसमें काफी समय बाद छोटी छोटी ग्रीन लीव्स दिखाई देने लग जाती है इसके ऊपर. यहाँ पर हमें ग्रीन लीव्स, इसका मतलब यहाँ से ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्ब.
कॉर्म इज अ थिक सॉलिड फूड स्टोरिंग अंडरग्राउंड. कॉर्म थिक सॉलिड फूड होता है जो कि अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर स्टोर रहता है. समटाइम्स बियरिंग पेपरली स्केल लीव्स एज अ इन द ग्लेडियस. ग्लेडियस में कभी कभी क्या होता है, लीव्स उत्पन्न हो जाती है, डेवलप हो जाती है. अ कॉर्म हैज लैटरल बड्स. इसमें लैटरल बड्स पाई जाती हैं विच ग्रो इन टू न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है. सो इन दिस लेक्चर टुडे वी लर्न अबाउट नेचुरल मेथड्स डन बाय रूट, स्टेम, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब एंड पोटेटो रूट्स. स्वीट पोटेटो, द एग्जाम्पल ऑफ रूट इज स्वीट पोटेटो एंड जिंजर पोटेटो, टर्मरिक एंड ऑनियन. सो ऑल द स्टूडेंट रीड दिस विद द हेल्प ऑफ योर बुक एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट इन योर कॉपी. नेचुरल मेथड्स, रूट, स्टेम, ट्यूबर एंड राइजोम एंड बल्ब. वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.